अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको, ठीक है, और ये है जेनेसिस। दो वर्ड्स हैं, देखो, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइको ग्लाइकोजन से निकला है और जेनेसिस बनने को कहते हैं। सो व्हेन यू सी अ वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस, इट मींस द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन का बनना। सो द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज ग्लाइकोजन? So, glycogen is animal starch. Silly सी definition है, animal starch. यानी glycogen वो reserve है जो कि animal की body में होता है. Plant में starch होता है ना, तो ये हमारा animal का starch है. Let me simplify this. हमारी body अल्लाह ताला ने एक ऐसे तरीके से design की हुई है कि हम लोग हर टाइम खा नहीं सकते, हम लोग हर टाइम रोटी नहीं खा सकते, हम लोगों ने काम भी करना है, हम लोगों ने बैठना भी है, हम लोगों ने सोना भी है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा हुआ है कि अगर हम लोग रोटी खाएंगे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, उससे जो ग्लूकोज निकलेगी वो ग्लूकोज या तो उस टाइम पे यूज होगी और जो इजाफी ग्लूकोज है वो कहीं पे स्टोर हो जाएगी। इस स्टोरेज के लिए हमें जो चीज बनी हुई है हमारी बॉडी में उसका नाम है ग्लाइकोजन। यानी ग्लाइकोजन वो स्टोर है कि जो हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी नीड के अंदर, यानी इजाफी ग्लूकोज को स्टोर करना इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये इजाफी ग्लूकोज कहां पे स्टोर होती है? ये दो ऑर्गन्स हैं। तो इन दो ऑर्गन्स में जो सबसे पहला ऑर्गन है दैट इज लिवर, और जो इसमें दूसरा मेजर ऑर्गन है इट इज डेफिनेटली मसल। तो लिवर एंड मसल हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि ग्लाइकोजेनेसिस के लिए बने हुए हैं, यानी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर इन दो ऑर्गन्स में है। ठीक है, तो लिवर जो है ये भी और मसल जो है ये भी हमारे पास ग्लाइकोजन को स्टोर करने में मदद देते हैं। ठीक है, लिवर कितना करता है, मसल कितना करता है? सो ये एक बड़ी मजेदार बात है कि जो लिवर का जो साइज है वो है 1800 ग्राम। कितना है? 1800 ग्राम, यानी 1 किलो और 800 ग्राम। और हमारा जो मसल होते हैं एक नॉर्मल बंदे के वो होते हैं 35 kg। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रहा हूं ना। ठीक है, तो अगर 35 kg हमारा मसल है पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं और 1800 ग्राम हमारा जो लिवर है इसके अंदर कितने ग्राम ग्लाइकोजन नॉर्मल हालत में मौजूद होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? इसके अंदर 72 to 108 ग्राम तक स्टोर होती है ग्लाइकोजन लिवर के अंदर। और मसल के अंदर जो कि 35 किलोग्राम अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो इसके अंदर होती है 245 ग्राम। सर सर ये लिवर में 1 किलोग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होता? इस बात को भी छोड़ दें, मैं ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लाइकोजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे जरा सा गौर कीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, याद रखें मैं अभी आप लोगों को एक परसेंटेज बता रहा हूँ। ठीक है, गौर से सुनिए। तो अगर 1800 ग्राम लिवर का वेट नॉर्मल बॉडी में और 35 ग्राम मसल है
तो इसके अंदर 245 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो सकती है और 72 to 108 ग्राम लिवर के अंदर होती है। यानी हमारे बॉडी का 4 to 6% ग्लाइकोजन का जो रिजर्वायर है वो लिवर है। यानी हमारी पूरी बॉडी का 4.6% जो है ना वो लिवर के, यानी लिवर का जो 4.6% है वो सिर्फ ग्लाइकोजन का है। यानी हमारे लिवर के अंदर जो पूरा आर्गन है लिवर, इसके अंदर 4 to 6% सिर्फ ग्लाइकोजन है और मसल 0.7%। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मेजर रिजर्वायर जो लिवर हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजन का स्टोर जो है वो लिवर के अंदर होता है, ना के मसल के अंदर। यानी ये एक परसेंटेज है जो कि मुत्तफिका तौर पे बहुत सारी स्टडीज के बाद जो है, तो ये इस पे वेरिएशंस आ सकती हैं प्लस माइनस थोड़ा बहुत। डिफरेंट बुक्स ने इसे डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, मैं भी पीपीटी आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें डिफरेंट दूसरी रेशियोज भी है। अच्छा, ये तो हो गई एक रेशो के ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर किस रेशो के अंदर कहां कहां मौजूद है। ठीक होगी बात, समझ आ गई इतनी बात की। जितने भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं। किस में होते हैं? यानी अगर ये एक हेपेटोसाइट है, लिवर का एक सेल है, तो इसके जो ग्लाइकोजेनेसिस अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। सो ऑल एंजाइम्स needed for the glycogenesis are cytoplasmic enzyme, mitochondrial नहीं है। यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे ग्लाइकोजेनेसिस के जो ग्लाइकोजेनेसिस को जो प्रोमोट करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस करने वाले एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ग्लाइकोजेनिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइट्स of the in the site are cytoplasmic enzymes, and they are either hepatocytes or muscle cells. ठीक है, बात की समझ आ रही है? आप लोगों को अगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर देता हूं ताकि हम लोग आगे जाके समझ सके कि ग्लाइकोजन असल में कैसा होता है। मैंने कल व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने आप लोगों को ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बताया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन की शक्ल कैसी होती है, असल में ग्लाइकोजन बनता कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि ग्लाइकोजन कभी नहीं पता होगा कि ग्लाइकोजन कैसा दिखता है। तो ग्लाइकोजन असल में ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज तो देखो ना, ग्लूकोज तो बनाने आता है ना आप लोगों को। तो ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, और यहां पर भी ग्लूकोज। यानी ये जो ग्लूकोज है ये आप इसमें आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि ये अल्फा 1-4 लिंकेज के साथ मिलके लंबी लंबी चेन्स होती है। अल्फा 1-4 लिंकेज, इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। और फिर एक और एडिशनल बात जो कि ग्लाइकोजन में होती है वो ये होती है कि इसमें ब्रांचेस भी होती हैं, 1-6 की ब्रांचेस भी होती है। यानी ये फिर ब्रांच भी रखता है ऐसे। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहां पर ये सिर्फ लंबे लंबे धागे नहीं होते, इस तरह से ये लंबे लंबे धागे नहीं होते, इनमें यहां पर कुछ ब्रांचेस भी होती हैं, और ये ब्रांचेस अल्फा 1-6 ब्रांचेस होती है। यानी जो ग्लाइकोजन के अंदर जो ब्रांचेस है वो अल्फा 1-6 है, लंबी लंबी धागे और साथ में ब्रांचे। समझ आ गई बात की? तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको यहां पर शेयर कर देता हूं, आप आ जाओ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ग्लाइकोजन कैसा दिखता है। ये देखें, ये ग्लाइकोजन, ये मैंने ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर एक पीपीटी बनाई हुई है, मैं आप लोगों को जस्ट स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। ये देखें, ये पीपीटी में आप लोगों को आज भाई। ये देखें ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। ये देखें, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखो,
ये दरमियान में ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है, और इसमें जो ये अटैचमेंट है देखो, एक ब्रांच ये और ये यहाँ पर ये ब्रांच, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया कि जिसके अंदर ब्रांचें ही ब्रांचें हैं। देखो जैसे कि झाड़ियां ना हो, पौधे के साथ जो झाड़ियां होती हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने ये ब्रांचेस क्यों बनाई हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो ये ब्रांचेस बन रही हैं, देख रहे हैं सब लोग, समझ आ रही है बात की। तो ये जो ये वाली लाइन है ये अल्फा 1-4 है, और ये जो जा रही है ऊपर ये अल्फा 1-6 है, समझ आई है। अल्फा 1-6 के बाद दोबारा अल्फा 1-4 की लाइंस आती हैं, लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आप लोग समझें कि ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है असल में। तो मैथमेटिकली जब इसका मॉडल देखा गया तो हमें ये मालूम पड़ा कि ग्लाइकोजन अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे कि यानी ये एक ऐसा स्टोरेज कंपाउंड है कि इसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सरफेस एरिया दिया हुआ है। ऐसे ही है कि जैसे लड़कियों ने को मालूम होगा कि एक धागे की गोट होती है, धागा धागा जब हम लोग खरीदते हैं उसके नीचे एक नली होती है, ठीक है, उस नली के ऊपर इस तरह से धागा लिपटा हुआ होता है। तो ये देखें ये दरमियान में जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इसके ऊपर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर लपेटा हुआ होता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो ये धागा इस तरह से खुला पड़ा हुआ हो। तो अल्लाह ताला ने ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटीन रखा और प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोजन को इस तरह लपेटा, और सीधा सीधा भी नहीं लपेटा, ऐसे लपेटा कि धागे के साथ एक टर्शियरी ब्रांच भी है, यानी ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हो, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन लंबे लंबे धागे होते ना तो पूरा सेल ग्लाइकोजन से ही भरा होता। तो अल्लाह ताला ने इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया कि ये ग्लाइकोजन रखा और ग्लाइकोजन के ग्लाइकोजेनिन रखा प्रोटीन, और ग्लाइकोजेनिन के साथ अल्फा 1-4 बॉन्ड और फिर अल्फा 1-6 बॉन्ड के साथ फिर आगे। तो ये धागों का गुच्छा होता है। Why? Because we need to store in a less space. तो ग्लाइकोजन हमारे मसल और हमारे लिवर में इस स्ट्रक्चर में होता है। अच्छा बच्चे ठीक हो गई बात। ये जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि लिवर ग्लाइकोजन कितना होता है, 5%, मैंने आप लोगों को 4.6 बताई ना, तो ये देखें 4-6 बताई तो इन लोगों ने 5 रखा। टिश्यू का वेट है 1.8 kg, वही हो गया 1800 ग्राम, और बॉडी कंटेंट 90 ग्राम, मसल ग्लाइकोजन 0.7%, टिश्यू वेट 35 किलोग्राम और 245 ग्राम। बात वही हो गई जो मैंने आप लोगों को बताई। इसका सोर्स है हार्पर, ये मैंने हार्पर के लेटेस्ट एडिशन से ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को आगे लेकर जाता हूं। अच्छा ये अभी हम लोग आगे जाते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, किसी को यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आगे चलूं? यस सर। ओके ओके एहसान, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आप लोगों को अभी एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये ग्राफ देखो, समझो कि ये लिवर है। अच्छा ये लिवर का ग्राफ है, ग्राफ नजर आ रहा है, ये लिवर है। अच्छा और यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कंटेंट, यानी ऊपर जाएंगे तो ग्लाइकोजन कंटेंट बढ़ेंगे। पता है क्या होता है, जब हम लोग फेड स्टेट में होते हैं, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह जाता है, और जब हम लोग भूख में होते हैं, जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जब हम लोग नॉन फैट कंडीशन में होते हैं, जब हम लोग स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं, हम लोग खाना नहीं खा रहे होते, तो ग्लाइकोजन नीचे जाता है, फिर हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये ऊपर जाता है। तो ये फैट स्टेट है, मीन जब आप लोग खाना खाएंगे तो ग्लाइकोजन ज्यादा होगा ना। खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, वर्जिश तो नहीं हो रही ना, तो वो ग्लाइकोजन स्टोर होता जाएगा लिवर में। तो ये देखें पीक ऊपर जा रही है, इट विल राइज। ये असल में ग्लाइकोजन का एक बहुत खूबसूरत ग्राफ है कि जब खाना खाओगे तो ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ेगी, जब आप स्टार्वेशन में जाओगे तो ये ग्लाइकोजन कंटेंट जीरो हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये स्टार्विंग कंडीशन है।
जब आप भूखे होते हैं तो क्या होता है, लिवर से ग्लाइकोजन खारिज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आप लोगों को 1,000 रुपए देता हूँ, 1,000 रुपए ले और इस 1,000 रुपए को आप जाके खाना खाएं, तो आप क्या कहेंगे, आप जाके 10 रुपए की रोटी खाएंगे, 10 रुपए के छोले खाएंगे, 10 रुपए की चाय पियेंगे, 30 रुपए खत्म, बाकी क्या करेंगे, जेब पे डाल लेंगे। तो ये फैट स्टेट है, ग्लाइकोजन है, फिर शाम हुई, फिर बाहर निकले और पिज्जा खा लिया, 700 रुपए का पिज्जा खाया, दोबारा ग्लाइकोजन स्टोर इधर आ गया। But my point now, so this is the mechanism in our body which is going on every day. ग्लाइकोजन जेब के पैसे, ग्लूकोज कैश पैसे, ओके ये लिवर था। दूसरा देख ले मसल क्या करता है, अब ये मैं मसल कर देता हूं। मसल का क्या काम होता है, मसल का काम होता है कि या काम करना या रेस्ट में रहना। तो जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, अगर ये रेस्ट है, ये मसल की बात कर रहा हूं, अच्छा, तो जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो ग्लाइकोजन ज्यादा ऊपर, और अगर हम लोग वर्किंग कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोजन कम। तो रेस्ट एंड वर्किंग, तो ग्लाइकोजन की कॉन्सेप्ट को समझे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, व्हाट इज द ड्रग गोइंग थ्रू इन योर बॉडी, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का ये काम है। तो ये तो हमें पता लग गया कि ग्लाइकोजन कहां कहां कैसे कैसे क्या कैसे यूज होगा। ठीक हो गई बात, अब आए आगे चले, अब हम लोग आएंगे स्टेप्स के ऊपर कि ग्लाइकोजन कैसे सिंथेसाइज होता है। सो नाउ आई एम वेरी प्रिसाइज के ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स क्या है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ये एक सेल है, एक सेल है, आप लोगों ने खाना खाया, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आया और आप लोगों की इजाफी ग्लूकोज, आतिफ अफजल आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर जब कोई मतलब इंजरी देखता है एक बास बंदा, तो वो इसकी शुगर लेवल डायरेक्ट डाउन होता है, इसकी क्या रीजन होते है सर? जब कोई क्या देखता है, इंजरी वगैरह देखते है सर, तो इसकी शुगर लेवल डाउन होता है, तो इसकी क्या रीजन होते है सर? ठीक है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो फ्लाइट फाइट एंड फ्राइट हार्मोन्स हैं, वो उसकी वजह से उसका शुगर लेवल डाउन होता है। दैट इज अनदर टॉपिक, उसको मैं डिस्कस करूंगा, वरना ग्लाइकोजेनेसिस रह जाएगा। तो बस इतना याद रखें कि वी हैव इवन आवर बॉडी एंड द एड्रिनल ग्लैंड, हमारे गुर्दों के ऊपर, हमारे किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं एंड दैट एड्रिनलिन, वो एड्रिनलिन हमारे फ्लाइट फाइट एंड फ्राइट, ठीक है, और फ्लाइट, जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं मेरा बड़ा तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, जब मैं 30,000 की हाइट पे होता हूँ ना, तो बस मैं कहता हूँ कि अभी ये जहाज नीचे गिरेगा। सो लास्ट टाइम आई वॉज विद माई वाइफ, तो मेरी वाइफ ने मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था, कहते कुछ नहीं होता, मैंने कहा ये क्यों मोड़ रहा है जहाज, वो कहते कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैंने आंखें बंद की हुई थी, एंड देन आई गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर एन आवर, क्योंकि हमारी 8 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैंने कह रहा 8 घंटे डर के तो नहीं गुजार सकते। सो मेरे एड्रेनलिन से कुछ ऐसी सिक्रीशंस हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, एड्रेनलिन की सिक्रीशंस को कम करने के लिए आई वॉच ऑनलाइन मूवीज, तो मैंने वहां पे जो स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन मूवीज थी, मैंने दबा के मूवीज देखने, जोकर मूवी देखी थी मैंने लास्ट टाइम, पूछो जोकर ने, तो उसने मेरे हार्मोन्स को डाउन कर दिया। सो दिस इज रिलेटेड दैट किडनी हार्मोन, वो आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू नीड मोर डिटेल्स आई कैन एलैबोरेट इन अनदर टाइम, ओके, अभी हम लोग फोकस इधर रखते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा हेपेटोसाइट है, ये हमारा एक लिवर सेल है, इसमें ग्लूकोज इंटर होता है थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर, ये एक ट्रांसपोर्टर है, इसको हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। याद होगा अगर आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर सही तरीके से सुने हो, तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहलाता है,
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में ये किस्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 क्यों है, क्योंकि ये ग्लूकोज इस ट्रांसपोर्टर से अंदर भी जा सकता है और ये इससे बाहर भी निकल सकता है, तो टू वे है। ये सड़क ऐसी है जहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, सो वी नो दैट दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एंड इट इज इन लिवर सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड हेपेटोसाइट। क्लियर? जब ये ग्लूकोज तो अगर हम लोग फेड स्टेट में हैं और इस ग्लूकोज ने स्टोर होना है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाएगा और इस बनाने के अमल को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस हम लोग देखते हैं कि हेपेटोसाइट में ग्लाइकोजेनेसिस कहां और कैसे हो रही है, तो ये याद रखें कि ये कहां हो रही है, ये साइटोसोल में हो रही है और साइटोसोल के अंदर सारे का सारा ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। साइटोसोल में ऐसे होता है कि जैसे आप इस तरह समझें कि पानी के अंदर सूजी मिला लें, तो पानी के अंदर जब आप सूजी मिलाते हैं तो वो दाने दाने होते हैं ना, तो ये बिल्कुल दानों दानों की तरह साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। सो नाउ वी नो दैट ग्लूकोज इंटर इनसाइड द बॉडी। ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। सो ग्लूकोज आ गया भाइयों, ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट। आप लोगों को मालूम है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में क्या कौन सा एंजाइम दरकार होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में एक एंजाइम होता है जो कि हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा था। पहला स्टेप याद है आप लोगों को, दिस एंजाइम इज कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज। सर जी आवाज का मसला है बहुत। अभी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल yes, अभी ठीक है। ओके, सही है। सॉरी, मेरा कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था। आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में जो एंजाइम आएगा उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि लिवर के सेल में होता है। नॉर्मल सेल में इस एंजाइम का क्या नाम था? एनीबॉडी, कोई बंदा मुझे बताए क्या नाम था इसका नॉर्मल बॉडी में? वो था हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था हेक्सोकाइनेज, तो हेक्सोकाइनेज और इधर ग्लूकोकाइनेज। ओके, मेरे कनेक्शन में आज प्रॉब्लम है, घबराना नहीं है। ओके, सो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों बनता है, क्यों जरूरी है? हमें ग्लूकोज को एनर्जाइज करना होता है। खाली ग्लूकोज कुछ भी नहीं कर सकता, ग्लूकोज को एनर्जी देनी होती है। हमने इस ग्लूकोज में एनर्जी भरती है, यानी ग्लूकोज के जो कंपाउंड था उसके 6 पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने एक फास्फेट लगा दिया। फास्फेट हैज सम एनर्जी। जब तक एनर्जी नहीं लगेगी ये कुछ नहीं कर सकेगा, तो हमने थोड़ा सा इसको एनर्जी दी कि थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। शायद सॉरी कमरान ही जरा कमरान देखो कितना ढीला ढाला सा आदमी है ना, तो ये ढीला ढाला आदमी अगर मैं इसको कहता हूँ यार तुम क्यों ढीले हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि बाहर से जाके एक SHO की वर्दी इसे पहना देता हूँ, इधर 3 सितारे लगा देता हूँ, इधर बेल्ट बना देता हूँ, हाथ में बंदूक दे देता हूँ, कहता हूँ मारो जिसको मारते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा एकदम से। हाउ? बंदा तो वही था, वर्दी बदली, फूल लगाए, हाथ में एनर्जी वाला पिस्टल दे दिया, ये बंदा ऐसे चलेगा। सो हम लोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देते हैं ताकि इसके अंदर एनर्जी आ जाए। तो हम लोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट इसीलिए बनाते हैं कि वो आगे रिएक्शन में जाए। तो अल्लाह ताला ने दूसरा इंतजाम रखा हुआ है कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो हम लोग ग्लूकोज 6 फास्फेट को कहते हैं कि अच्छा चलो अपनी पोजीशन बदलो, आप ग्लूकोज 1 फास्फेट बना दो। तो सिर्फ पोजीशन चेंज करने से
पोजीशन चेंज करने से जो एंजाइम आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं फास्फोग्लूकोम्यूटेज, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, यानी म्यूटेशन कर देता है, म्यूटेट कर देता है, 6 से 1 पे आ जाता है। यानी ये जो ग्लूकोज था ये पहले 6 पे था, अभी 1 पे आ गया, और भी एनर्जी मिल गई। ठीक है, पोजीशन चेंज करने पे कोई मकसद होता है, तो हमने इसकी जब पोजीशन चेंज की ना, तो फिर हम इसको एक नया काम करवाते हैं, कहते हैं जी चलो अब एक और काम करते हैं। लिवर के अंदर एक चीज मौजूद होती है जिसे कहते हैं यूडीपी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, सॉरी यूरिडिन यूटीपी, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन एटीपी की तरह ही यूरेसिल लगा होता है, एटीपी में एडेनिन लगा होता है, इसमें यूरेसिल लगा होता है, तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट आता है। यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट क्या चीज है, ये आता है इस तरीके से कि इसके पास ये यूरिडिन है, ये यूरिडिन है, इसके साथ 3 फास्फेट लगे हुए हैं, ये आके अपने 2 फास्फेट इसको दे देता है, कहते हैं आप और भी एनर्जाइज हो जाओ, अब ग्लूकोज जो है ना वो बहुत एनर्जी में है, अब ग्लूकोज कहता है कि आओ अब मेरे साथ मुकाबला, यानी एनर्जाइज करने वाली बातें चल रही है। यूटीपी आया, इसने अपने 2 दिए इसे, और ये बन गया यूडीपी ग्लूकोज, क्या बना, यूडीपी ग्लूकोज। ये जो यूडीपी ग्लूकोज है, पानी एक ग्लास लेकर आओ, यूडीपी ग्लूकोज जो है ये हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ये यूडीपी ग्लूकोज में बड़ी एनर्जी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसके पास अभी तो 2 फास्फेट आ गए हैं, तो जब ये यूटीपी आया इसने अपने 2 इसको दे दिए ग्लूकोज के साथ अटैच किए, तो यहां पर फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है, क्योंकि एक फास्फेट ग्लूकोज 1 का और एक इसका, तो जब ये रिलीज होता है तो इसके साथ पानी आकर मिलता है H2O, तो ये 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बना देता है। ये 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारे बॉडी में दूसरी जगह पे यूज होते हैं। अच्छा, तो एनर्जी कंपाउंड है ना, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो आप लोगों ने देखा था 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट आया, वो इधर से आता है असल में, तो इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। जब ये यूडीपी ग्लूकोज बनता है तो अब एक नया सिलसिला शुरू होगा, अब हमारे पास एक एनर्जी से भरा हुआ ग्लूकोज आ गया है, ग्लूकोज एनर्जी से भरा हुआ है, अब इसको हम लोगों ने परोना है, क्या करना है, परोना है, मोती आ गए हैं, मोती तस्बी बनानी है, तो अब इसको सुई के अंदर डालना है, सुई के पीछे धागा होना चाहिए, तो अब हमने इसको एक एक यूडीपी को धागे में परोना है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको धागे में परोएंगे। ये धागा क्या है, ये है एक कंपाउंड जिसको के मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, ग्लाइकोजेनिन। ये ग्लाइकोजेनिन जो होता है ये एक प्रोटीन है, और इसके सिर के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और टायरोसिन लगा होता है, कौन सा, टायरोसिन, आप लोग जानते हैं एक अमीनो एसिड है, ये टायरोसिन, ये जो है इस चीज को कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन एक सपोर्टिंग प्रोटीन है जिसके ऊपर ग्लूकोज का लड़ियां परोई जाएंगी, छोटे छोटे ग्लूकोज आके लगेंगे, तो ये प्रोटीन के ऊपर हम लोग एक एक ग्लूकोज को लगाएंगे, किस ग्लूकोज को, यूडीपी को। तो अब ये यूडीपी ग्लूकोज जाके किस चीज के साथ मिलेगा, अब ये जाके मिलेगा ग्लाइकोजेनिन के साथ, किसके साथ, ग्लाइकोजेनिन के साथ, ग्लाइकोजेनिन के साथ इस तरह से मिलेगा कि ये ग्लाइकोजेनिन, शुक्रिया, खुद तो ठंडा ले यार, तो जरा गर्म लाओ, बहुत ठंडा है, मैं मुंह गला बंद हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजेनिन आता है, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज, सिंथेज आ गया, देखो बनाने वाला, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन बनाने वाला। अब जो ग्लाइकोजन बनाने वाला आया, एक यूडीपी और साथ में सिरा, यूडीपी को आप, ग्लाइकोजन को आप समझो सुई धागा, तो सुई धागे के ऊपर एक लगाएंगे भी हम लोग एक ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज प्रोटीन के ऊपर लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, तो एक एक करके इसके ऊपर अभी चीजें लगती जाएंगी। तो मैं इस रिएक्शन को भी इधर से खत्म करता हूं,
और मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। अच्छा मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी। अभी एक मिनट के बाद ये वीडियो क्लोज होने वाली है, मैं दोबारा से आऊंगा। अच्छा कंटिन्यू करूंगा। तो ये यूडीपी ग्लूकोज आया और यहां से एक ग्लाइकोजेनिन आया और क्या बना, क्या बना? अब देखो यहां पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइल यूनिट। कैसे? ये देखो ये एक ग्लाइकोजेनिन है और यहां पर आके अल्फा 1,4 ग्लूकोज लग गया इधर। ये जो लिंकेज है ये है अल्फा 1,4 लिंकेज। इसने एक ग्लाइकोजेनिन के साथ एक ग्लूकोज को मिलाया, ये यूडीपी ग्लूकोज था, ये इसके साथ आके मिला और किस लिंकेज के साथ मिला? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड यूनिट। तो अब आप समझें कि आपने ग्लाइकोजिन का पहला धागे के अंदर पहली दाना डाल दिया तस्बी का। अब दूसरा दाना आएगा, तीसरा दाना आएगा, चौथा दाना आएगा। कैसे आएगा? ये ही दाने आते जाएंगे और इधर लगते जाएंगे। समझ आई? दरमियान में प्रोटीन आ गया, ऊपर लड़ी लगती गई। तो ग्लाइकोजिन में ग्लाइकोजिन सिंथेस एक एक ग्लूकोज को ऊपर लगाता जाएगा, एक एक ग्लूकोज को किस लिंकेज के थ्रू? 1,4 लिंकेज के थ्रू। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनता जाएगा। तो अभी आप लोग बड़े होशियार हैं, मैं इधर वीडियो को क्लोज करके दोबारा लिंक सेंड करता हूं और आगे कंटिन्यू करते हैं।